In this video, we will discuss the chapter 3rd of class 12th physics, that is current electricity. So let us start. सबसे पहले आता है इसमें टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. इसका जो फॉर्मूला है वो है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इन विच आई इज करंट, क्यू इज चार्ज एंड टी इज टाइम. द करंट इज नॉट अ स्टेडी, सो इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. मतलब हम इसको दो तरह से डिफाइन करेंगे. पहला है एवरेज करंट. इफ अ चार्ज डेल्टा क्यू फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डेल्टा टी, देन द करंट इज नोन एज एवरेज करंट. जो उसका फॉर्मूला है वो है आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस करंट. द करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट. और जो उसका फॉर्मूला है वो है आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. फिर करंट के उसमें रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सेकेंड इज एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. इन सीजीएस द यूनिट ऑफ करंट इज ईएमयू, बायोट और एवेम्पियर. फिर नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर. व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन वन सेकेंड देन द करंट इज नोन एज वन एम्पियर एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ करंट. Mainly it is of three types. First is AC, second DC, third is variable current. हम discuss करते हैं एक एक करके. First is AC means alternate current. इसकी definition the current whose magnitude changes with time and also polarity changes alternately with time, then the current is known as alternate current. Second DC means direct current. Definition the current whose magnitude remains constant with time, then the current is known as DC means direct current. Third is variable current. The current whose value changes with time but polarity remains same, then the current is known as variable current. नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी. इसकी डेफिनेशन अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी. इसका जो फॉर्मूला है वो है जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, इन विच जे इज करंट डेंसिटी. मतलब हम जो करंट डेंसिटी होगा उसका सिंबल है जे. जे इसमें आई करंट और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जो उसका यूनिट है वो है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला वो है एल माइनस टू ए. नेक्स्ट इज ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसके स्टेटमेंट है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड डेट द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट. मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. मीन्स ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो है वी इज इक्वल टू आर आई, इन विच वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, आर इज रेजिस्टेंट एंड आई इज करंट. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जियोर्ज साइमन ओम इन 1828. और जो वी आई का ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, मीन्स लीनियर. फिर नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस. इसकी डेफिनेशन इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट. जो रेजिस्टेंस होगा वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. जब हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इन विच आर इज रेजिस्टेंट, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर और लेंथ एल इज लेंथ ऑफ द वायर एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. द SI unit of resistance is ohm. Its dimensional formula is ML2 T minus 3 A minus 2. Next is definition of 1 ohm. Iski definition hai, when 1 ampere of current passed through it by applying a potential difference of 1 volt, then the resistance is known as 1 ampere. It is measured by ohm meter. Next is specific resistance means रेजिस्टिविटी. इसकी डेफिनेशन इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द लेंथ इज 1 meter एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 meter square. इसका जो फॉर्मूला है वो है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इन विच वही रेजिस्टिविटी जो रो है वो है रेजिस्टिविटी, आर रेजिस्टेंस, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल इज लेंथ. जो उसकी यूनिट होगी वो होगी ओम मीटर और डायमेंशन फॉर्मूला एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू. और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड होगा सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटीरियल. फिर रेजिस्टिविटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हैं इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल. मतलब जो रेजिस्टिविटी होगी वो हर एक की अपनी स्पेसिफिक होगी. और सेकंड इज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर, वही सेम. नेक्स्ट इज कंडक्टेंस. इट इज डिनोटेड बाय जी. इट इज
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, मीन्स जी इज इक्वल टू वन अपॉन आर, इस यूनिट इज ओम इनवर्स और मोह और साइमन। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय कापा मीन्स सिग्मा, और इसकी जो डेफिनेशन है वो है इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मीन्स के कापा इज इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टिविटी, और जो उसकी यूनिट होगी वो होगी ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट मतलब इसकी डेफिनेशन वो है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद विच दे मूव इन अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कि कोई भी कंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब भी हम कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस एवरेज वेलोसिटी से मूव करेंगे, वो वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका जो फॉर्मूला है वो है वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टॉर्क अपॉन एम, इन विच वी डी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टॉर्क इज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब जब भी दो कोलिजन कोरस्पोंडिंग कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा वो होगा रिलैक्सेशन टाइम, टू सक्सेसिव कोलिजन उनके बीच का टाइम टॉर्क मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, और जो एम होगा वो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। इसका जो फॉर्मूला है मतलब सबसे पहले सिंबल है इसका न्यू, इसका फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम वी डी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ही मैग्नीट्यूड लेंगे, और जो ये मोबिलिटी है मोबिलिटी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के, तो इसका जो एक कंसेप्ट है न्यू इज हायर फॉर इलेक्ट्रॉन दैन फॉर होल्स, इसका जो एक कंसेप्ट है वो मैग्नेटिज्म चैप्टर में यूज होगा। नेक्स्ट इज एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इसका जो रिलेशन है वो है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, इन विच आई इज करंट, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो कि है जे इज इक्वल टू सिग्मा या फिर कापा ई, इन विच जे इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये बात थी कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो हर एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक है, तो फिर कुछ कंबाइंड फॉर्म में है वो है मेटल्स के लिए जो होगी वो होगी 10^-8 टू 10^-6 ओम मीटर, इन दो के बीच में होगी मतलब इसकी रेंज में, और फॉर इंसुलेटर्स इट इज़ फ्रॉम 10^-18 टू 10^-5, और फॉर सेमी कंडक्टर इट इज़ फ्रॉम 10^-5 टू 10^-3 ओम मीटर। एंड नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये कुछ ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, जैसे कि फर्स्ट है आईवी रिलेशन वेरीज विद चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड इज इंक्रीज इन करंट इज पॉसिबल व्हेन डिक्रीज इन वोल्टेज डस, थर्ड इज इंक्रीज इन वोल्टेज इज पॉसिबल व्हेन डिक्रीज इन करंट डस, फोर्थ इज मेजरेबल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, ये कुछ लिमिटेशन थी ओम्स लॉ की। नेक्स्ट इज ओमिक एलिमेंट, व्हाट आर ओमिक एलिमेंट्स क्वेश्चन आता है, इसका आंसर है द मटेरियल्स विच ओबेज द ओम लॉ आर कॉल्ड ओमिक एलिमेंट, और इसका जो एग्जांपल है वो ऑल द एलिमेंट्स एट एनी टेम्परेचर टी आर बिहेव एज ओमिक एलिमेंट। फिर नेक्स्ट इज नॉन ओमिक एलिमेंट, ये है द मटेरियल विच डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ आर नोन एज नॉन ओमिक एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल फॉर पीएन जंक्शन डायोड और लिक्विड इलेक्ट्रोड आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक एलिमेंट्स। फिर नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, मतलब अगर हम कोई भी कंडक्टर है हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसका जो फॉर्मूला यूज होगा मतलब जो मेन कंसेप्ट यूज होगा वो होगा रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी से कोलाइड करेंगे और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो हो जाएगा कम, और जो रिलैक्सेशन टाइम होगा अगर वो कम होगा तो जो रेजिस्टिविटी है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो टॉर्क है अगर वो कम हुआ तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मेन कॉन्क्लूजन जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर मीन्स है कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज।
नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब है सेमीकंडक्टर का, इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टॉर्क इन विच एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ और टॉर्क इज रिलैक्सेशन टाइम। इसमें भी वही, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमी कंडक्टर के लिए वो इंक्रीज हो जाएंगे, टॉर्क भी इंक्रीज होगा लेकिन वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, जो एन की वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, वो डोमिनेंट होगी। तो अगर हम एन इंक्रीज करते हैं हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एन की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। अगर एन इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो मेन कंक्लूजन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इज डिक्रीज। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस पे कैसे इफेक्ट करता है, ये था रेजिस्टिविटी के लिए और अब है रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट। फर्स्ट फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा मेन कंसेप्ट वाला वो है आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। ये आर का एक फॉर्मूला है, मतलब इसकी वैल्यू, इसमें जो मेन थिंग है वो है आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। अब इसमें वही कंसेप्ट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टॉर्क की वैल्यू कम होगी, इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा फॉर कंडक्टर्स। फिर आता है नेक्स्ट, आता है सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए अब की बार हमें एन कंसिडर करना पड़ेगा, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ। जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एन होगा वो इंक्रीज होगा, इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। फिर एक रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है एट एनी टी टेम्परेचर, वो है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट वन प्लस अल्फा टी इन विच आर इज रेजिस्टेंस एट एन आर टी मीन्स आर रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी और आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा इज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। और जो उसमें अल्फा होगा उसकी सबसे पहले डेफिनेशन है चार्ज इन अ रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और जो अल्फा की वैल्यू होगी वो होगी आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। जो अल्फा होगा वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा और जो सेमी कंडक्टर्स होंगे उनके लिए नेगेटिव होगा। फिर नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन रेजिस्टेंस, क्योंकि जो लेंथ है वो, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो उसका जो सिंपल बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला है वो है सिंपल कि अगर हम कोई भी कंडक्टर है उसकी हम लेंथ डबल या डिक्रीज, मतलब उसकी लेंथ भी चेंज करते हैं, तो उसके लिए जो न्यू रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला है आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन का होल स्क्वायर। इसमें हमें R1 की और जो हमने लेंथ चेंज करी उसकी वैल्यू पता होगी, इन सब से हम जो न्यू रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, सिंपल ये फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करके। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम L को डबल कर देते हैं, L को अगर हम डबल करेंगे, L2 की वैल्यू यहाँ 2L1 रखेंगे तो L1 से L1 कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसी वायर का वो 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर सेकंड है कि जो एरिया पे है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, वो है R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो R2 है उसके सामने A1 है। इसमें जो होगा, इसमें एग्जांपल लेके समझते हैं, वो है अगर हम एरिया को डबल करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। सिंपली ये दो फॉर्मूले हैं, सिंपली आप इनका यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं जो इनके बेसिस पे होगा। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सिंपल वही, जैसे हमने कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में हमने ज्वाइन किया था, ऐसे ही रेजिस्टेंस को ज्वाइन करना है। फर्स्ट इज इन सीरीज, अगर सीरीज हम रेजिस्टर्स को सीरीज में अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसका जो फॉर्मूला वो होगा आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, मतलब जो भी वैल्यू होंगी उनको हम सिंपली न्यूमेरिकली हमें सम करना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हैं, जैसे कि इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज, मतलब मींस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इनटू आर और देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी डैश इज इक्वल टू वी अपॉन एन। और अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो उसमें कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले निकालने के लिए हैं, जो करंट होगा वो तो तीनों के लिए सेम होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फर्स्ट रेजिस्टेंस का वो होगा
V1 इज इक्वल टू V इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और जो V2 होगा वो होगा V आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और V3 थर्ड रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वैल्यू होगी V आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू आर थ्री। मीन्स ये तो जो तीन रेजिस्टेंस थे उनका निकालने का फॉर्मूला था। मीन अगर जितने भी रेजिस्टेंस है उस हिसाब से मैनिपुलेट करके क्वेश्चन को ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मीन्स सबसे मेन बात ये है, अगर सीरीज में हम रेजिस्टर्स को जोड़ें ज्वाइन करें तो उसकी जो इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो होगी आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर एन तक, मतलब जो टोटल नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स होंगे। फिर सेकंड जो कॉम्बिनेशन है वो है इन पैरेलल, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री डैश डैश, जितने भी हम एन टाइम्स रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। और इसमें भी सिंपली हम वही आई की और आई वन, जो इसमें याद रखने की वाली बात वो है कि अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो सबका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, लेकिन जो आई होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमें इसी की मदद से जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज कलर कोडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस इज वैल्यू ऑफ कार्बन। आपने देखा होगा कि मतलब जो रेजिस्टेंस होते हैं उन पर लिखा तो वैल्यू तो लिखी नहीं होती कि ये इतने ओम का है या इतने ओम का है, उन पर एक कलर की लेयर होती है, मतलब एक बैंड होता है कि ये इस कलर का ये इस कलर का, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसको ये हम कलर कोडिंग के मेथड से समझेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको एक टेबल याद करनी होगी, सिंपली कुछ नहीं खास इसमें टेबल में कुछ नहीं है। इसके जो कलर्स हैं, पहला जो कॉलम होगा वो कलर्स का होगा, सेकंड इज नंबर्स के लिए, थर्ड इज मल्टीपल्स के लिए, और फोर्थ इज फोर कलर, लास्ट इज फोर टॉलरेंस। इसमें जो कलर होगा ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, इसको आपको बस इसी सिक्वेंस में याद रखना होगा। इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो आपको सबको पता भी है, सिंपल भी है, सबका फर्स्ट फर्स्ट टर्म ले, और एक कहानी सी बना रखी है सिंपली, वो है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी गुड वाइफ। इसको आप सिंपली ऐसे ही जैसे मर्जी आपको याद हो जाए वैसे आप याद कर सकते हैं, और सबकी वैल्यू फर्स्ट के लिए 0 सेकंड के लिए 1 ऐसे भी सिंपली याद करना है। इसको हम सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एक रजिस्टर है, उसमें जो फर्स्ट बैंड ऑफ कलर है वो है येल्लो 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 है, और जो सेकेंड है वो है वायलेट, थर्ड है ब्राउन, और फोर्थ है गोल्ड। फिर इसमें हमें समझना है कि जो फर्स्ट बैंड होगा वो हमें क्या देगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो चार चीज़ें हैं ये आपको याद करनी है कि फर्स्ट है, फर्स्ट बैंड देगा हमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड बैंड देगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड देगा मल्टीप्लीकेशन मतलब जो 10 की पावर में होगा, और जो फोर्थ बैंड होगा वो देगा वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। फिर हम इसको समझते हैं कि हमारे पास पहला कलर कौन सा है, येल्लो, येल्लो की वैल्यू कितनी है 4, हमने 4 लिख दिया। फिर आया वायलेट, वायलेट की वैल्यू कितनी है 7, हमने 7 लिख दिया, ये होगी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर कलर है ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू है, अब हमें देखना है मल्टीप्लीकेशन मतलब 10, इसमें ब्राउन की क्या वैल्यू आई 10 की पावर 1, वो लिख दिया। फिर फोर्थ बैंड है गोल्ड का, गोल्ड के फोर्थ बैंड क्या बताते हैं हमें, टोलरेंस, गोल्ड की टोलरेंस कितनी है 5%। तो हमारे पास जो वैल्यू आई इस रेजिस्टेंस की वो आई 47 × 10^(-1) ओम ±5%। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसके एक दो क्वेश्चन ट्राई करें आराम से हो जाएगा। बस आपको ये टेबल याद होनी चाहिए और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बैंड क्या से क्या देंगे हमको ये भी पता होना चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, या आपकी कुछ समझ में ना आया हो, या आपको कुछ सजेशन या कोई चेंज चाहिए तो आप उसको ज़रूर डिस्कस करें।